रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं को त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। चौपाल के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित मल्लियासु तल्ला पहुंचे, जहां प्रधान मल्लियासु तल्ला विमल चौहान ने जिलाधिकारी को गांव की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही मुख्य सड़क गांव तक पैदल मार्ग ठीक कराने की समस्या बताई। साथ ही जंगली जानवर ग्रामीणों की फसलों को खराब कर रहे हैं, उसके लिए भी घेरबाड़ की मांग की है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज सुबह मल्लियासु तल्ला ग्राम का निरीक्षण किया गया और वहाँ पर खुली बैठक करके जो वहाँ की समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें मुख्यतः गांव की जो सड़क है उसके बारे में, जो पैदल पहुंच मार्ग है, पेयजल की जो व्यवस्था है और सिंचाई की व्यवस्था, इसके बारे में बातचीत की गई। और देखा गया कि वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो खेती पहले होती थी, काफ़ी अच्छी खेती होती थी, उसमें जंगली जानवर की वजह से खेती को भी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए घेरबाड़ का भी ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा कहा गया कि घेरबाड़ कराई जानी आवश्यक है।